शरीफ का नजराना पेश कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आली व सहाबी व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। दो तकरीरें पूरी पूरी बाकी हैं और वक्त बहुत बहुत कम है, एक घंटे से ज्यादा थोड़ा सा जनरेटर ने परेशान किया, तो बहुत जल्दी जल्दी दो कलाम के थोड़े थोड़े शेर आपको सुनाता हूँ, लेकिन पूरी बेदारी के साथ इंशाल्लाह आप सुनने का वादा करें तो फिर मैं सुनाऊँ। तैयार हैं आप? तैयार हैं? अच्छा, मदीने शरीफ जाने का इरादा तो सबको होता है, दिल तो बड़ा तड़पता है ना मदीना जाने का। अभी लगभग एक हफ्ते से मेरे जो साथी लोग हैं वो लगभग रोज मदीने शरीफ का जिक्र काफी काफी देर तक करते हैं अपनी महफिलों में, तो दो तीन शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मदीने शरीफ की बातें करके मैं आपको सुनाऊं। पढ़ेंगे इंशाल्लाह मेरे साथ भी। इसका बेस बिल्कुल जीरो कर दीजिए, ट्रेबल और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, माइक बहुत अच्छा है। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप लोग भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक बार जरा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, आओ जरा बुलंद आवाज से लब्बैक लब्बैक लब्बैक। या रसूल अल्लाह बुला लो रसूल अल्लाह, हबीब अल्लाह बुला लो रसूल अल्लाह, हबीब अल्लाह बुला लो रसूल अल्लाह, बुला लो रसूल रसूल हबीब अल्लाह बुला लो रसूल हबीब अल्लाह। आपने जिसको बुलाया तो बहुत ही शाद है, आपसे फरियाद है बुला लो लो यहां से लेके वहां तक हुजूर के हर गुलाम का हाथ बुलंद हो और सीने की ताकत के साथ जरा बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो या रसूल अल्लाह कहने वाली सदा, ये जो हुजूर को पुकारने वाली सदा है ना या रसूल अल्लाह के साथ, ये सदा हर किसी के हिस्से में नहीं है, सिर्फ हुजूर के गुलामों के हिस्से में। और वो एक शेर बड़ा मशहूर है, हर हुजूर के गुलाम को याद है, बच्चे बच्चे को याद है, वो शेर ये है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, हमने ये नारा लगाया अपना पे, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह।
अल्लाह बुला लो रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। ये दो मतलब मैंने आपको सिर्फ इसलिए सुनाए कि आपकी आवाज में सुन लूं कि अब लाइट आ गई है, कोई और आवाज नहीं है, तो आपकी आवाज की आवाज बुलंद है। मुझे इतना पता करना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आपकी आवाज बहुत बुलंद है। अब ये एक कलाम जो इस वक्त पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी दुनिया में उर्दू अदब में और खास तौर से आशिकों के दरमियान, मदीने के आशिकों के दरमियान बहुत मकबूल है। और हमारे भाई साहब बार बार मुझे कह रहे हैं, मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह सुनाओ। तो अब वो कलाम सुनाने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह दिल की अथाह गहराइयों से आप इसको कबूल करेंगे। सुनिएगा, बुलंद आवाज से पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। के बाबा सुने इल्तिजा मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। ज़हरा के बाबा, ज़हरा के बाबा, ज़हरा के बाबा, ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। कहीं मैं न जाए, कहीं मैं न जाए, कहीं मैं न जाए, गुलाम आपका मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। तवज्जो, सताती है मुझको, रुलाती है मुझको, ये दुनिया बहुत आजमाती है मुझको, सताती बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बात बता रहा हूँ, साहब बैठे हैं और आपके इस शहर पटना का और खास तौर से इस्लाम का एक लाल लाल जिसने मसलक आला हज़रत के हवाले से बड़ा कारनामा अंजाम दिया, हज़रत अल्लामा महबूब गौहर साहब, शेर व शायरी की दुनिया में एक बड़ा नाम है। मैं एक बात इन सब के सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह महफिलों में हुजूर की रोज जाता हूँ, नौकरी रोज करता हूँ, तो तजुर्बा इतना है मुझे कि कितने गुलामों में कितनी आवाज बुलंद होती है। आपकी आवाज कम है, जरा और बुलंद कीजिए, और बुलंद आवाज से जरा मिलके यहाँ से लेके वहां तक जितने गुलामों को याद है वो बुलंद आवाज से पढ़े, पढ़िए। सताती है मुझको, क्या बात है, पढ़िए। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको, ये दुनिया बहुत आजमाती है मुझको, दुनिया की बातों, दुनिया की बातों, दुनिया की बातों से टूटा हुआ मदीना के बाबा सुने इल्तिजा मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी, न कट जाए यूं ही उम्र सारी। बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी, न कट जाए यूं ही उम्र सारी। कहाँ ज़िंदगानी, कहाँ ज़िंदगानी, कहे कुछ पता मदीना, मदीना, मदीना। ये मिस्रा याद है, ऐ ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा मदीना।
ये मिश्रा याद है, याद है किसको, किसको याद है जरा हाथ उठा के बताइए मुझे। तो जिसको जिसको याद है उसकी आवाज भी बुलंद हो, और जरा मिलकर पढ़िए मुझसे और इस माइक से ज्यादा तेज आवाज आपकी होनी चाहिए। पढ़िए ऐसा हरा मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, तवज्जो। मैं देखूं वो रोदा, मैं देखूं वो जाली, बुला लीजिए मुझको सरकार आली। कहां जा ए आका, कहां जा ए आका, ये मंगता भला मदीना, मदीना। पढ़िए ऐ ज़हरा के बाबा सुने, मदीना। अभी उससे रज़ी गुजरा है और दूसरी शब्द में सरकार मुफ्ती आज़म के पुल के बाद मुझे हुक्म हुआ पढ़ने का, और मैं यही कलाम पढ़ रहा था। और ये जो शेर आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये शेर जब मैंने पढ़ा है तो मैं लफ्जों में तो नहीं बयान कर सकता कि क्या माहौल था वहाँ था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के यहाँ सारे गुलाम बैठे हैं। तो एक शेर जरा सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाऊं, जवाब देंगे आप, देंगे इंशाल्लाह पूरी ताकत और पूरी बुलंद आवाज के साथ देंगे इंशाल्लाह। तो आप जवाब दीजिए, फिर मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, जरा खुल के हाथों को उठा के। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और बुलंद आवाज से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब एक बार पढ़िए बुलंद आवाज से, फिर आपको एक शेर सुनाता हूँ। पढ़िए मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, जिसे सब कहते नकीखा का बेटा मोहम्मद रजा है बरेली में लेटा, जिसे सब कहते नकीखा का बेटा मोहम्मद रजा है बरेली में लेटा, जिसे सब कहते नकीखा का बेटा मोहम्मद रजा है बरेली में लेटा, उसी आला हजरत, उसी आला हजरत, उसी आला हजरत का है वास्ता मदीना, मदीना। पढ़िए ऐसा मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, अता हो बकी में ये सहरा कसदता, मुझे मौत आए वहीं काश आका, वहीं से वहीं से वहीं से उठे ये जनाजा मेरा मदीना, मदीना बुला लीजिए। ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा मदीना, मदीना, मदीना। आखिरी शेर और मेरी नौकरी तमाम हो जाएगी, मुफ्ती साहब का बयान शुरू होगा। एक आखिरी शेर सुनाता हूँ, बहुत मकबूल शेर। मदीना बुला लीजिए, मदीना
बुला लीजिए वो रमजान तेरा, वो रमजान तेरा, वो दालान तेरा, वो जबाब सम सम ये मेहमान तेरा, वो रमजान तेरा, वो दालान तेरा, वो जबाब सम सम ये मेहमान तेरा, तेरे दर तेरे दर तेरे दर ते इफ्तार का वो मजा मदीना मदीना पढ़िए ऐ ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा बुला लीजिए मदीना बुला लीजिए मदीना बुला लीजिए करम कर दिया है ये ख्वाजा पिया ने जो मिस्र लिखे हैं शबात बियाने करम कर दिया है ये ख्वाजा पिया ने जो मिस्र लिखे हैं शबात बियाने करें ते गुजर जो करें ते गुजर जो हुई हो खता मदीना मदीना बुला लीजिए पढ़िए ऐ ज़हरा के बाबा सुने मदीना बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी अल्लाह आप सबको हुजूर गम प्यारा प्यारा मदीना दिखाए और दुआ है अल्लाह आपको बहुत जल्द दिखाए काश ऐसा हो कि रमजान में दिखाए इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी तो फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम।